आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? बताओ कोई। ठीक आ रही है। है, यस सर, ठीक। आ रही। इसके बाद भी कोई लेक्चर है तुम्हारा? यस सर। 3:20 पर। अच्छा, वो टेक्निकल कम्युनिकेशन का। CSS का सर। अच्छा, अभी 17 ही स्टूडेंट आए हैं। चल, जल्दी छोड़ दूंगा। कुछ थ्योरी थ्योरी है, थोड़ा सा बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्लाइड दिखाई दे रही है, टोटल स्टेशन लिखा हुआ है। यस चलो, जैसे कि पिछली क्लासों में यूनिट फर्स्ट के टाइम पे मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता चुका हूँ, थियोडोलाइट। उसी का एडवांस वर्जन होता है आपका टोटल स्टेशन। आपको याद हो, थियोडोलाइट कुछ येलो कलर का और ग्रीन कलर का दो तरह के मैंने दिखाए थे। उसमें स्क्रीन नहीं होती, थोड़ा सा इससे हल्का होता है। अगर मैं नेट पे सर्च करूं, थियोडोलाइट, ये है आपका थियोडोलाइट जो हमारे कॉलेज में है। ठीक है, वो वाला दिखा देता हूँ। ये ठीक है, ये हमारे कॉलेज में है और हम बात कर रहे हैं टोटल स्टेशन की। इसकी इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखो कितना है। देखो ठीक है, ये वाला जो है ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका थियोडोलाइट और ये है आपका टोटल स्टेशन येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा इसकी बॉडी हैवी है। किसकी हैवी है बॉडी? टोटल स्टेशन की। इसमें एक स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको और इसमें क्या है, पूरा मेटल का बना हुआ है और जो एलिमेंट्स हैं वो पतले पतले हैं इसमें, क्योंकि एलिमेंट जो है वो सॉलिड चीज़ के बने हुए हैं। इनके अंदर कोई सेंसर या माइक्रो प्रोसेसर नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, थियोडोलाइट में हम कर क्या सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? हम वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए? हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, जो हम चेन और टेप से मेज़र करते हैं। ठीक है, जो आपका ऊपर एक सर्कल दिखाई दे रहा है, वर्टिकल सर्कल है और नीचे क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। और इसमें बबल ट्यूब है जिससे हम इसको लेवलिंग करते हैं। ठीक है, नीचे एक हुक होता है जिसमें एक आप प्लम्ब बॉब लगा के सेंटरिंग करते हो। जिस पॉइंट पर रखना है, ए पॉइंट पर अगर आपको थियोडोलाइट रखना है तो ट्राईपोड के 3 लेग होते हैं, उनके बीच में ए पॉइंट आना चाहिए और जो इसका सेंटर है थियोडोलाइट का वो वहाँ आना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ थियोडोलाइट के बारे में? क्योंकि यही चीज़ टोटल स्टेशन में कैसे होती है उसके बाद डिस्कस करेंगे, अगर थियोडोलाइट में पता है तो। ठीक है, तो टोटल स्टेशन में क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, इसको ट्राईपोड पर लगाना है। उसके बाद आपको सेंटरिंग करनी है, एक प्लम्ब बॉब एक रस्सी में बंधा होता है, एक हैवी मेटल का, उसको हैंग करेंगे सेंटर में और जहाँ वो पॉइंट आएगा वो आपका लेग को मूव करा के आपको उस पॉइंट पे कर लेना, उसे बोलते हैं सेंटरिंग। फिर आता है लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, बबल ट्यूब लगी हुई है, इस बबल ट्यूब का बबल सेंटर में लाना है तो 3 स्क्रू होते हैं, उनको घुमाते हैं जैसे बताया हुआ प्रोसीजर वो होता है। फिर एंगल मेजर करना है, ए पे साइड पे देखना है, तो ए साइड पे क्या होता है, पेंट और ठीक है, तो ए साइड को हमें देखना है और यहाँ पे हमारा ट्राईपोड है जिसके ऊपर हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो ए को देखने के लिए इसके अंदर एंगल होना चाहिए 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड। तो
तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि इसके ऊपर दो प्लेट होती है, वर्नियर स्केल होता है इसमें, एक मेन स्केल और वर्नियर। मेन आपका फिक्स होता है, वर्नियर मूवेबल होता है। कुछ स्क्रू होते हैं, इन सबको लूज और क्लैम करके आप 0-0 कॉन्साइड करते हो, फिर एक अपर स्क्रू को टाइट करके लोअर को लूज करोगे तो पूरा इंस्ट्रूमेंट घूमेगा, पर उसमें एंगल चेंज नहीं होगा। और एक को आपको साइड करोगे, फिर आप अपर को लूज और लोअर को, अपर को क्लैम और लोअर को लूज करके फिर बी एंगल देखोगे। तो ये प्रोसीजर होता है आपका थियोडोलाइट का। अब बात करते हैं हम टोटल स्टेशन की, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, एडवांस है, तो इसमें कैसे ये सब चीज़ें काम होती हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं वो चीज़ हम इसे मेजर देखेंगे। तो इसका जो टेबल कंटेन है, व्हाट इज़ टोटल स्टेशन, कैपेबिलिटी क्या है टोटल स्टेशन की, ऑपरेशन क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, देखो डिस्टेंस मेजरमेंट अभी मैंने बताया, थियोडोलाइट में डिस्टेंस मेजरमेंट कैसे करोगे आप चेन और टेप से, ठीक है। लेकिन आप इसमें कैसे करोगे टोटल स्टेशन में, टोटल स्टेशन के ऊपर एक चीज़ इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो बताया था लास्ट क्लास में, EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो वो आपका क्या कर लेगा, आपका डिस्टेंस मेजर कर लेगा, एंगल तो मेजर करता ही है, डाटा स्टोर भी करता है, डिस्प्ले भी करता है स्क्रीन पे, ठीक है। पर इन चीज़ों की लिमिट्स है कितना डाटा स्टोर कर सकता है कब, ठीक है। यूज़ ऑफ टोटल स्टेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, ये के सब हम पढ़ेंगे टोटल स्टेशन के बारे में। व्हाट इज टोटल स्टेशन, इज अ सर्विंग इक्विपमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ EDM एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ EDM एंड इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। थियोडोलाइट होता है जिसमें सारी चीज़ मैकेनिकली होती है, मैकेनिज्म होता है उसमें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और माइक्रो सेंसर और डिस्प्ले ऐड कर दो तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में EDM कनेक्ट कर दो तो वो पूरा बन जाएगा आपका टोटल स्टेशन। दो टोटल स्टेशन है, काफ़ी महंगे आते हैं हमारे आपकी लैब में, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीगेटेड माइक्रो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्टर एंड स्टोरेज। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जो आप लेवलिंग करते हो ना बबल को सेंटर में लाते हो, माइक्रो प्रोसेसर उसको भी आपको स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये बैलेंस है या नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कैन यूज मेजरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल एज वेल एज स्लोपिंग एंगल, ये बता ही चुका हूँ। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके इसमें इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मोटे मोटे बताता हूँ जनरली क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप है, ठीक है, और ये इसमें स्क्रीन है, स्क्रीन में कुछ बटन्स होते हैं, कुछ रीसेट करने के लिए, कुछ डाटा, कुछ लाइट के लिए, लाइट को ऑन ऑफ करना है, डाटा को सेव करना है, टाइटल डालना है, ये सब होता है आपका, ठीक है। नीचे आपका ट्राईपोड है, इसका बेस है, स्क्रू है, ठीक है। इसमें भी तीन स्क्रू हैं, तीन स्क्रू को जब तक आप मूव कराओगे जब तक इसमें रीडिंग जीरो ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि जीरो से ही तो आप काउंट करोगे अगला एंगल मेजर करना, ठीक है। इस तरह से इसमें आपका, अब देखो इसमें एक चीज़ है जो आप क्या करते थे, सेंटरिंग कैसे करते थे आप, प्लम बॉब यहाँ पे मैं इसमें दिखा देता हूँ बना के, आप कैसे सेंटरिंग करते थे कि ये ट्राईपॉड है आपका और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, और प्लम बॉब यहाँ से हैंग करते थे, एक ऐसे होता था इसमें, यहाँ से हैंग करते थे, यहाँ पे ये प्लम बॉब है और ये पॉइंट होता था आपका ABCD जो भी है। पर इसमें कैसे करोगे टोटल स्टेशन में, लेज़र लगी होती है टोटल स्टेशन में, पहले इसको टोटल स्टेशन को 90 डिग्री मोड़ दोगे ऐसे, यहाँ लेज़र लगी होती है, लेज़र लाइट ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है तो आपको पता चल जाता है कि ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो प्लम बॉब की भी इसमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका हो गया रेड कलर का जो स्टैंड पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका प्रिज्म। प्रिज्म की क्या ज़रूरत है, आपको जब डिस्टेंस मेज़र करनी है तो डिस्टेंस कैसे मेज़र करोगे, इसमें जो EDM लगा हुआ है, या तो वो EDM होगा आपको रेडियो वेव्स वाला, या फिर होगा आपका इंफ्रारेड वाला। इंफ्रारेड वाला होता है ज़्यादातर, इंफ्रारेड के लिए एक रिफ्लेक्टर चाहिए जिससे वो रिफ्लेक्ट होके आए और इसका प्रोसेसर उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट कर ले वेलोसिटी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, प्रिज्म। कैपेबिलिटी ऑफ टोटल स्टेशन, माइक्रो प्रोसेस यूनिट टोटल स्टेशन प्रोसेसिंग डाटा कलेक्टिंग टू कंप्यूट। मल्टीपल एंगल मेजर कर सकते हो, उनका एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज डिस्टेंस निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकाल सकते हो, एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो, ऑल द कोऑर्डिनेट। ये 6 के 6 पॉइंट हैं, बहुत सिंपल है। मल्टीपल एंगल्स मेजरमेंट कर सकते हो, उनको स्टोर भी कर सकते हो, मल्टीपल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, आपने क्या कहते हैं उसको प्रिज्म को ए पॉइंट पर रखा, डिस्टेंस बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर, वो डाटा स्टोर भी होता गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, ठीक है, वर्टिकल आप एंगल और हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस की हेल्प से करोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट भी मेजर कर सकते हो आप, ठीक है, और एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कर सकते हो, और लास्ट पॉइंट जो है 6th पॉइंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपका इंस्ट्रूमेंट रखा है ओ पर,
ए पॉइंट पे आपका रखा हुआ है प्रिज्म, आपने ओ से ए को देखा, तो ओ के रिस्पेक्ट में ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड भी ये कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। डाटा कलेक्टेड एंड प्रोसेसिंग इन द टोटल सिस्टम कैन बी डाउनलोड टू कंप्यूटर एंड फर्दर प्रोसेस। हाँ, इसके जो आपका जो मशीन है वो एक डाटा केबल से कंप्यूटर में अटैच हो जाती है, और उस डाटा को आप एक्सेल की फॉर्म में या किसी और भी फाइल फॉर्मेट आते हैं उनमें आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। टोटल स्टेशन कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट एंड वेट ऑफ 50 to 55 न्यूटन। ए पर्सन कैन इजिली कैरी इन द फील्ड। टोटल डिस्टेंस डिफरेंट एक्यूरेसी एंगल मेजर डिफरेंट रेंज ऑफ द ये कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, सोकिया कॉरपोरेशन लिमिटेड टोक्यो और जापान में, ठीक है। ये इसके इतने सारे आपका पार्ट्स, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपका पार्ट्स, आपको मेनली जो मेन पार्ट्स हैं बस उनको देख लेना, जैसे कि ये स्क्रीन हो गई, ये आपका लेबलिंग स्क्रू हो गए, बेस प्लेट हो गई, टेलीस्कोप हो गया, ये हैंडल हो गया, ठीक है। ये सब आपको कुछ पार्ट्स आपको याद कर लेने हैं इसके। तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट, डाटा प्रोसेसिंग, डिस्प्ले, इलेक्ट्रॉनिक बुक। इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम की जो रेंज है 2.8 to 4.82 किलोमीटर काफ़ी होती है। किसी भी आप सर्वे किसका कर रहे हो, किसी एक प्लॉट का, मॉल का या रोड का, ठीक है। 2.8 किलोमीटर तो बहुत बहुत सही है ना, किसी कंस्ट्रक्शन के लिए। द एक्यूरेसी मेजरमेंट वेरीज 5 mm to 10 mm per किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी एक्यूरेसी है। दे आर यूज विद ऑटोमेटिक टारगेट रिकोनाइजर। द डिस्टेंस मेजर इन ऑलवेज स्लोपिंग डिस्टेंस मेजरमेंट द ऑब्जेक्ट। एंगल मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन थर्ड पार्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस यूज ऑफ मेजरिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दोनों एंगल मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसमें दो सर्कल होते हैं। अच्छा, उसमें तो दो सर्कल होते थे, किसमें, थियोडोलाइट में। वर्टिकल सर्कल पे आप रीडिंग देखोगे वर्टिकल एंगल की, हॉरिजॉन्टल सर्कल पे आप देखोगे रीडिंग हॉरिजॉन्टल एंगल की। बट इसमें तो डिस्प्ले है, इसमें एच और वी लिख के आता है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वी, एक ही टाइम पे वो दोनों चीज़ बताएगा, ठीक है। एज्यूम करो आप वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हो, अगर आप वर्टिकल एंगल मेजर करो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल जीरो ही रहना चाहिए, है ना, हाथ नहीं हिलना चाहिए, तो आपको दोनों एक साथ चेंज होते रहेंगे। इंस्ट्रूमेंट पे हल्का सा भी हाथ मारोगे दोनों चीज़ चेंज होती हुई दिखाई देगी, बहुत सेंसिटिव होता है। वर्टिकल एंगल मेजरमेंट अपवर्ड डायरेक्शन एंड टेकन रेफरेंस डायरेक्शन। एक्यूरेसी ऑफ एंगल वेरीज फ्रॉम 2 to 6 सेकंड। सेकंड आपको पता है कि एंगल में सेकंड का क्या पार्ट होता है, तो उतना इसमें मेजर एक्यूरेसी है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अब इस टावर की हाइट निकालनी है, दिखाई दे रहा है आपको टावर, जरा कोई कंफर्म कीजिए, एक इमेज दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। अब थियोडोलाइट यहाँ पे रखा हुआ है इतनी दूर, और यहीं से आप रखे आप इसमें क्या मेजर कर सकते हो, टावर की हाइट, है ना। आप टॉप व्यू को देखो उसकी, फिर बॉटम व्यू को देखो, आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। और आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही मेजर कर सकते हैं इसमें ईडीएम की हेल्प से, एक एंगल है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो आप इसकी हाइट भी निकाल सकते हो। डाटा प्रोसेसिंग जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो प्रोसेस करता है, वो कुछ कैलकुलेशन तो करेगा। अब ऐसा है जैसे आप किसी पॉइंट को ओ पॉइंट से ए पॉइंट को देख रहे हो, तो डायरेक्ट ये थोड़ी ना ए पॉइंट से क्या देखेगा, ए पॉइंट की डिस्टेंस देखेगा, स्पीड देखेगा, आपके इंफ्रारेड की, उन सब की कैलकुलेशन होगी ना, उसके लिए प्रोसेसर चाहिए। किसी भी चीज़ को कैलकुलेशन करने के लिए हमें प्रोसेसर चाहिए होता है, किसी भी मशीन में से कंप्यूटर में भी प्रोसेसर रहता है ना। तो प्रोसेसर क्या करता है, कैलकुलेट करता है। तो क्या हमारे पास डाटा वो जो रिसीव करता है वो अलग फॉर्म में करता है, डिस्प्ले हमें अलग फॉर्म में करता है। रिसीव किसकी फॉर्म में किया, वेलोसिटी की फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में, और डिस्प्ले किसकी फॉर्म में किया, डिस्टेंस की फॉर्म में। यही काम होता है प्रोसेसर का करना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूनिट कैपेबल डिस्प्लेइंग वेरियस वैल्यू रिस्पेक्ट की, द सिस्टम इज कैपेबल डिस्प्लेइंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिफरेंस एलिवेशन टू, ये सब डाटा इस फॉर्म में आपको दिखा देता है। इलेक्ट्रॉनिक बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, अच्छा वो जो आपने जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, जिसमें आपने आरएल निकाला था, आपने टेबल बनाई थी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं बुकिंग ऑफ आरएल, ठीक है। कभी कभी न्यूमेरिकल में आ गया, वैल्यूज लिखी और कहा है कि इसकी बुकिंग कीजिए, तो बुकिंग करना ही उसको बोलते हैं, सारे कैलकुलेशन को करना, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग का मतलब है डाटा स्टोर करना, ये कितना डाटा स्टोर कर सकता है। तो इसमें दिया हुआ है कि बुकिंग का मतलब है 2000 point to 4000 point, कैरेक्टर मान लो 2000 character to 4000 character, इतना ही डाटा स्टोर कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कौन सा आपका थियोडोलाइट है। दो टाइप के थियोडोलाइट होते हैं आपके, सॉरी टोटल स्टेशन की बात हो रही है, एक होता है आपका विंडोज़, एक होता है नॉन विंडोज़। हमारे पास जो नॉन विंडोज़ है, ठीक है, नॉन विंडोज़ क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ,
जो पहले वाले आपके मोबाइल फोन आते थे ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो नॉन विंडोज होते थे। आपके जो आते हैं वो विंडोज होते हैं, जिसमें आप फोल्डर बना सकते हो, स्टोरेज डाटा होता है काफ़ी अच्छा। तो आपका जो विंडोज वाला टोटल स्टेशन है उसमें पूरा एक कलरफुल स्क्रीन होती है, फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर बना सकते हो, स्टोरेज मेमोरी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और नॉन विंडो में सेवल डिस्प्ले आता है, सेव डिलीट एंटर टेक्स ऐसे होता है, बस ब्लैक कलर की स्क्रीन जो होती है। तो इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी 2000 पॉइंट टू 4000 पॉइंट आपको दी हुई है। यूज़ ऑफ टोटल स्टेशन आपको पता ही है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल और दो पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू सेट रिक्वायर यूनिट फॉर डिस्टेंस। हाँ, इसमें यूनिट चेंज कर सकते हैं पर लिमिटेड होता है, ठीक है। व्हेन टारगेट साइटेड हॉरिजॉन्टल वर्क एंगल एज वेल स्लोपिंग डिस्टेंस आर मेजर बाय प्रेसिंग अपॉन की दे रिकॉर्डेड अलोंग पॉइंट नंबर हाइट इंस्ट्रूमेंट टारगेट की एंड आफ्टर प्रेसिंग देम टाइम्स टेन टू प्रोसेसिंग। इसमें होता क्या है, काम कैसे करता है, आपने ए पॉइंट को देखा तो आप इनपुट कर सकते हो कि इसको हम पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए, दूसरे पॉइंट को नाम दे रहे हैं बी, तीसरे पॉइंट को नाम दे रहे हैं सी। इस तरह से आप डाटा इनपुट कर सकते हो इसमें। एडवांटेज क्या है इसमें, डाटा स्टोरेज हो सकता है, एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, इसमें मैनुअल एरर और रीडिंग रिकॉर्डिंग एलिमिनेट हो जाते हैं, पर्सनल एरर भी कुछ एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि पर्सनल एरर बबल वाला जो मैंने बताया था आपको, कि अगर आप स्क्रू से अपनी आई साइड से बबल को देख रहे हो तो सेंटर में हर किसी का अलग अलग होगा, बट इसमें क्या दिखाएगा, ज़ीरो दिखाएगा, ज़ीरो सबका आ रहा है तो यानी बिल्कुल लेवल में है। कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट इज़ वेरी फास्ट एक्यूरेट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑटोमेटिकली मेड करेक्शन। ओके, इवन करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर आर ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। कंप्यूटर कैन बी एम्प्लॉयड अ मैप मैपिंग प्लॉट कंटूर। ये वाला पॉइंट जो है ना लास्ट वाले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आप जो कॉलेज का स्टेडियम है वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, कंटूर आपको याद है, कंटूर कैसे करते थे हम, कंटूर का मतलब है सेम एलिवेशन पॉइंट, है ना। तो अगर पहले आपके पास नॉर्मल थर्डोलाइट होता था तो आप बहुत सारे पॉइंट लोगे हर एक डिस्टेंस पे, ग्रिड पैटर्न में या रेडियल पैटर्न में हर पॉइंट पे आप क्या करोगे, एलिवेशन निकालोगे, आरएल निकालोगे, सेम आरएल को कनेक्ट कर दोगे तो वो बन जाएगी कंटूरिंग लाइन, ठीक है। और लिखना भी पड़ेगा उसमें सारी चीज़ स्टोर, आपको पेन से लिखनी पड़ेगी, बट टोटल स्टेशन में क्या होगा, वो स्टोर होता जाएगा, ठीक है। आपने स्टेडियम का एरिया डाला, एक पॉइंट से बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, आप आरएल लेते गए लेते गए लेते गए और वो स्टोर हो गया, उसको कंप्यूटर में आप, है ना, किसी एक स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट में से ऑटो कैड में भी आ जाता है वो। ऑटो कैड तो आप सभी जानते होंगे, ऑटो कैड के फाइल फॉर्मेट में आ जाता है वो डाटा। और जैसे ही आप ऑटो कैड में ओपन करोगे ना तो आपको एक ग्राउंड दिखाई देगा और उस पर सारे पॉइंट्स एस्टेब्लिश होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पिक्चर खींची हुई है ग्राउंड का, ऐसा नहीं, मतलब उस ग्राउंड की शेप पे एक लाइन डायग्राम होगा और उस पर सारे पॉइंट्स आपके बने हुए होंगे और उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके थोड़ा ऑटो कैड के टूल यूज़ करके आपको बिल्कुल एक प्रोफाइल मिल जाएगी ग्राउंड की, ठीक है। तो कंटूर उसमें भी आपका ये कनेक्ट बन जाता है, उसमें नहीं बनता, आपको उसका डाटा यूज़ कर सकते हो बहुत सिंपल वे में। एप्लीकेशन टोटल स्टेशन मेनली यूजफुल लैंड सर्वे, सिविल इंजीनियर, द रिकॉर्ड फ्यूचर टोपोग्राफी सर्वे, आउट ऑफ फ्यूचर रोड, हाउस बाउंड्री, सबके लिए यूज़ होता है। दे आर यूज फॉर आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड, एक्सकेवेशन, पुलिस क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट एक्सीडेंट, इन सब में यूज़ होता है। जहाँ पर भी डिस्टेंस, एंगल, इन सब को मेजरमेंट होगी वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये माइनिंग में भी यूज़ हो सकता है, टोटल को एब्सोल्यूट, टनल, वॉल, सीलिंग, फ्लोर, ड्रिफ्ट, आरएल, माइनिंग के काम में आरएल हमें निकालना होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा बेंचमार्क से आरएल कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा है। इसको आप कैड में, जो मैंने बताया भी, जो रिकॉर्डेड डाटा डाउनलोड करके कैड प्रोग्राम में, कैड प्रोग्राम का मतलब होता है ऑटो कैड, जैसे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं सबको बोलते हैं, इसमें ड्राइंग बनती है उसको बोलते हैं कैड सॉफ्टवेयर या कैड प्रोग्राम, उन सब में आप इसको डाटा को इम्पोर्ट कर सकते हो टोटल स्टेशन से। और कुछ नहीं, इसमें एक टॉपिक और है आपका टोटल स्टेशन में, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या कह रहा है, कोई सेटअप इंस्ट्रूमेंट। अब देखो जो बबल वाला सीन था और जो प्लम्बोब हैंग करने वाला सीन था वो तो चला गया ना, लेज़र लाइट यूज़ करती है, देखो लिखा भी है यूटिलाइज द लेज़र प्लम मैट, है ना। तो यह एक आपका क्विक सेटअप हो गया, प्रोग्राम ऑन बोर्ड, कंप्यूटेशन, कंप्यूटिंग एरिया ऑफ द फील्ड,
आप उसमें कैसे निकालोगे एरिया, आपको मैनुअली कैलकुलेशन करनी होगी पॉइंट्स की वैल्यू निकाल के। इसमें ऑटोमेटिक ही एरिया निकाल देता है। अगर आपको किसी प्लॉट का एरिया निकालना है ना, तो आपको चार कॉर्नर पे पॉइंट्स रखो, उनको मेजर करो, एरिया निकाल देगा। सेट करना होता है स्क्रीन में कि एरिया कर रहे हैं, फिर वो कैलकुलेशन अपने आप कर लेता है। इट्स सपोर्टेड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। इट शोज ग्राफिकल व्यू ऑफ लैंड एंड प्लॉट, नो रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग एरर्स, मेजरमेंट अदर कॉन्वेंशनल सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, डाटा कैन बी सेव ट्रांसफर टू पीसी, इट्स इंटीग्रेटेड डाटाबेस, कंप्यूटर ओल्ड मैप, ऑल इन वन मल्टीटास्किंग, GIS creation by using appropriate software, faster work, save time, सारे पॉइंट नॉन है। इसमें कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है। कोई भी कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। डाटा स्टोरेज कहाँ, कॉपी पेन से आप लिखते थे, अब सेव हो जाता है, उसको इंपोर्ट कर सकते हो कंप्यूटर में, उसे किसी सॉफ्टवेयर से यूज़ कर सकते हो। एक्यूरेसी हाई हो जाती है, पर्सनल एरर कम हो जाते हैं, ठीक है। और वो एटमोसफेयर और टेम्परेचर एरर को भी वो करेक्शन कर लेता है, जो आपको फॉर्मूले बताए तो पहले से इनबिल्ड होते हैं, तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली, ये डिसएडवांटेज है। इन माइट ट्रबलसम फॉर सर्वे इन्वेस्टिगेशन, चेक द वर्क व्हेन सर्वेइंग, वर्किंग विद टोटलाइटर्स नॉट इजी, स्किल चाहिए यहाँ। बट जैसे थियोडोलाइट को समझना ईजी है, उतना ईजी इसको समझना नहीं है टोटलाइटेशन को। चेक सर्वेइंग थ्रोली नेसेसरी टू कम बैक द ऑफिस एंड प्रिपेयर ड्राइंग यूजिंग राइट सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है इसमें, जिस फॉर्मेट में ये फाइल इंपोर्ट कर सकता है उसी फॉर्मेट का आपको सॉफ्टवेयर जो उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट कर सके आपको जरूरत होती है। डिसएडवांटेज एडवांटेज कम है, एडवांटेज ज़्यादा है इसके। तो ये था आपका ओवरव्यू थियोडोलाइट। इसको बस आपको रीड करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। इसका बारे में वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, ये सब आ जाता है, और ये आपको लिखना है थ्योरी में, ठीक है। ST1 के मार्क्स मैंने टीम्स पे भी अपलोड ST1 का सॉल्यूशन टीम्स पे अपलोड कर दिया है, और साथ में सर व्हाट्सएप आपको कर दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, 3:02 हो रही है। नया टॉपिक मैंने ना अभी PPT बनाई है, ना डाउनलोड किया, तो उसको अभी यहीं छोड़ते हैं क्लास को। कोई किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे को बताओ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना हो। ओलंपस पे आपने कहा था कि लेक्चर आप कॉपी कर दीजिए वहाँ पे, है ना। ओलंपस में मैंने कॉपी कर दिए हैं, पर वो पब्लिश नहीं हो रहे हैं। कोई भी लेक्चर का लिंक हमें ओलंपस पे कॉपी करना होता है, पब्लिश करना होता है। दरअसल जो ओलंपस है ना, अभी हमारे पास फुल वर्जन नहीं है, दिक्कत आ रही है, सॉल्व हो जाएगी एक दो दिन में, आप वहाँ से कर लेना। और किसी चीज़ का भी मतलब कि किसी किसी के सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, ये पब्लिश नहीं हो पा रहा है, लिंक डल गया है, पब्लिश का बटन अभी काम नहीं कर रहा, वो भी हो जाएगा। लेक्चर सारे डल चुके हैं, बस एक बटन दबाना है। और कोई किसी को डाउट हो किसी चीज़ में, ठीक है, फिर क्लास को लीव करते हैं यहीं पे।